चलो घूमने चलना है। सौ साल पहले की बनी हुई ये मंदिर है, यहाँ पे अभी भी राजा का किंगडम चल रहा है। ये एक्चुअल में जहाँ राजा अभी रह रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम पिछले 6 दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज संडे आ गया है तो आज जिम नहीं है और पढ़ाई भी नहीं करनी, आज क्लासेस ऑफ है। तो आज चलेंगे कहीं बाहर घूमने के लिए लोकल में। प्लान तो किया हुआ है, एक आसपास कोई अच्छी सी टेंपल है वहां पे चलेंगे घूमने के लिए। यहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर की ड्राइव है। सबसे अधिक खुशी इसी बात की है कि संडे आ चुका है और हमने अपना आधा संडे सोने में बिता दिया। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और हम अभी सो के उठे हैं 10-10 मिनट पहले। तो इसी के साथ अब ज़्यादा समय रूम के अंदर ना बिता दें और पूरा दिन वेस्ट ना हो जाए हमारा संडे, तो इसको यूटिलाइज करने के लिए जल्दी से चलते हैं, नहा के रेडी हो जाते हैं और फिर चलेंगे बाहर डे आउट के लिए। नाइट आउट्स तो होती है नहीं बोकारो में, तो हम डे आउट के लिए बाहर चलते हैं आज। सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस, हो गए हम नहा के रेडी, अब चलने वाले हैं कहाँ ये मुझे भी नहीं पता है, कौन सा लोकेशन है, क्या जगह है, बस इतना पता है कि मंदिर जा रहे हैं। अब जा रहे हैं किनके साथ, तो भैया लोगों के साथ जा रहे हैं और इस ट्रिप में मेरा फ्रेंड मेरे साथ चल रहा है जिगी। तो अभी तक बस इतना ही पता है कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, फोर व्हीलर से, ड्राइव मैं करने वाला हूँ। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जब तक हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तब तक आप टाइम लैप्स के मजे लो। तो चलिए अब सीधा लोकेशन पे चल के आपसे बात करेंगे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर, इस साइड पे मंदिर है, पहले अभी हम शूज पहन के आए थे, तो चलते हैं, चल के पैर हाथ धो लेते हैं। मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो अंदर तो हम फोन लेके नहीं जा सकते, बट हाँ बाहर से कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे। और यहाँ माता जी का मंदिर है, बाकी हम चल के अंदर पूछते हैं क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ यहाँ के बारे में, मुझे कुछ भी पता नहीं है। चल रहे हैं अंदर, अभी कैमरा ऑफ कर देते हैं, फिर बाहर निकल के बातें करते हैं। तो गाइज अभी मैंने भैया से यहाँ से पूछा पूरी स्टोरी इसकी। एक्चुअल में ये मंदिर 800 ईयर्स पुराना है, 800 साल पहले की बनी हुई ये मंदिर है। यहाँ के जो लोकल राजा थे उनके 15-20 कितने वंशज हो गए ये किसी को पता नहीं। तो उस टाइम पे उनको सपने में आया था, जिस सरोवर में अभी हम गए हुए थे, मूर्ति जो यहाँ पे आई है ये मूर्ति पहले वहाँ थी पानी के अंदर। आज भी यहाँ जो लोग आते हैं वो पीस ऑफ माइंड ढूंढने आते हैं, क्योंकि यहाँ से जस्ट बगल में मोक्ष धाम है जो शमशान घाट है, और कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट हर रोज वहाँ एक ना एक बॉडी आती रहती है, और यहाँ पे हर रोज एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन बलि नहीं पड़ता माता को। तो ये बेसिकली माँ काली का मंदिर है, जैसे हमारे तारापीठ और पथरोल में है देवघर के आसपास, बिल्कुल वैसा ही। बस फर्क यहाँ पे इतना ही आप लगा सकते हो कि यहाँ पे अभी भी राजा का किंगडम चल रहा है। वहाँ पे है कि गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज अब कंट्रोल करने लगी है, पर यहाँ पे अभी भी राजा ही कंट्रोल करते हैं, सारी चीजों को राजा मेंटेन करते हैं। ये आप देख रहे हो सेवायत रिचंद्रनाथ सिंह, फिलहाल अभी यही है राजा यहाँ पे, और इनका महल यहाँ से बिल्कुल पास में है इस साइड पे। अभी हम यहाँ से महल चलेंगे इनके घूमने के लिए। वैसे यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि आप वहाँ से पूजा करके निकलो वो मुख्य मंदिर है और फिर आपको आके यहाँ पे पूजा करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मंदिर बंद हो गई है, मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे उनका श्रृंगार होता है, फिर कॉमन आदमी के लिए खोल दिया जाता है, आप पूजा पाठ कर सकते हो। अंदर टच करना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ फूल और सारी चीजों को लेके आओ, पंडित को दोगे वो आपको प्रसाद चढ़ा के दे देंगे वापस, जैसे बेसिकली साउथ साइड पे होता है वैसा। हमारे बाबा मंदिर की तरह भी नहीं है कि आप टच करके पूजा कर सकते हो। बेस्ट मंथ आने के लिए विंटर, बहुत कम क्राउड है, और सुनने में आता है कि जब सीजन होता है यहाँ पे माँ काली का पूजा होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मंदिर खुली होती है, उसके बाद फिर आरती करने के बाद बट बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ही प्लान करके, और ये कुछ खासा दूर है नहीं, धनबाद से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पे, आप कतरास लिख सकते हो और लोकेशन में नीचे गूगल मैप का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ट्रैक करके आ सकते हो। लोग कैसे सो रहे हैं मजे से, हमारा देखना भी शेर कैसे जग रखा है, ये देखो। तो गाइस वहां से 450 मीटर के बाद हम पहुंच गए एक अच्छी सी लोकेशन पे, ये देखो। तो
तो गाइस आपको मेरे पीछे जो मंदिर दिख रही है ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा है कि पत्थरों के ऊपर बस पत्थरों को रखा गया है और ये कहते हैं कि रातों रात बन गया, मतलब किसी ने बनाते देखा नहीं, ना कोई मजदूर था ना कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले, मतलब जैसे विश्वकर्मा जी बनाते ना रातों रात बैद्यनाथ धाम मंदिर जैसा बनाते, वैसा ये भी रातों रात सडनली जब सुबह उठे लोग तो उनको दिखा कि यहाँ पे मंदिर बन गया है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, ये बेसिकली शिवालय है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अंदर से तो आपको दिख रहा है कि सीमेंट किया गया है, बट एक पोर्शन तक यहाँ तक इसके ऊपर आप देखो ये गैप्स आपको दिख रहे हैं, बाहर दिख रहा है, ऊपर भी देखो गैप्स दिख रहे हैं, तो ऐसा इंटरलॉक किया गया इनको कि कभी गिरे ही ना किसी पे। ऊपर देखो बिल्कुल इतने लंबे लंबे चट्टान रखे गए, मतलब इतनी ऊंची इतनी भारी भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर ये बनता या कोई इंसान बना रहा होता इसे तो जरूर आसपास के लोग तो देख ही लेते इसे बनाते हुए, कम से कम 5-10 दिन तो जरूर लगता चाहे कितने भी मजदूर लगा दिए जाते इसमें। गाइस दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब इस साइड पे आओ कोयलांचल तो एक सफेद जूते पहन के मत आया करो और काली गाड़ी लेके आया करो, वाइट गाड़ियां भी लेके मत आना, यहाँ पे ये चलता है भाई। तो गाइस अभी जो मैं मंदिर गया हुआ था माता जी के, आपको मैंने बोला कि वहाँ पे राजा को सपना आया था, तो एक्चुअल में वो राजा आखिर कितनी दूर रहता होगा कि सपना आया होगा तो यहीं पे मंदिर उसने बनवा दिया। तो ये देखो ये रहा वो राजा का महल, अब इसको मेंटेन नहीं किया गया, ऊपर वो जो आ रहा है ना वो टावर बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा है कि उसके ऊपर चढ़ के देखने के बाद बहुत सुंदर लग रहा होगा, बट कुछ भी नहीं बचा रह गया अब यहाँ पे, और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था तो एक सोचो एक एक पोर्शन में बनाया गया था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे ऐसे करके। उसी पैलेस का ये एक और एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस यहाँ पे है और एक एंट्रेंस यहाँ पे है, मुझे लगता है शायद वो राजा के लिए होगा जैसा देख के लग रहा है वो बड़ा सा, और एक ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है तो मुझे लगता है आम पब्लिक यहाँ से आती होगी जब डिस्कशन होते होंगे यहाँ पे। तो ऐसा अभी भी कहना है कि जब वहाँ पे मंदिरों में पट बंद हो जाता है यानी कि 2-2.5 बजे आरती होने के बाद जब मंदिर बंद हो जाते हैं तो फिर मंदिर की चाबी लाके अभी भी राजा के घर पे रखा जाता है, आप वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर में यहाँ पहुँच जाओगे। तो गाइस वहाँ से एक एंट्री थी मैंने आपको दिखाई थी, एक एंट्री यहाँ से है और ये एक्चुअल में जहाँ राजा अभी रह रहे हैं। ये रही राजा की गाड़ी, उस टाइम की एम्बेसडर लग रही है देखने में। तो फिलहाल हम गूगल लेंस पे चेक कर रहे हैं कि ये गाड़ी कौन सी कंपनी की, अगर आप में से किसी को पता है तो पहले कमेंट कर दो कि ये गाड़ी है कौन सी कंपनी की, आखिर राजा कौन सी कंपनी की गाड़ी यूज करता था। और गाड़ी का ऑलमोस्ट सब कुछ निकाल लिया गया है, इंजन विंजन कुछ भी नहीं छोड़ा गया, बस टायर नए थे और पता नहीं लोगों ने छोड़ कैसे दिया इसे। और ये है जहाँ पे अभी भी राजा की फैमिली रहती है और आई गेस ये हुंडई राजा अभी यूज करते हैं। अब अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि अंदर पे पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप बाहर बाहर से घूम सकते हो। तो जितना भी हमें घूमना था ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल, अब हम चलने वाले हैं घर क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। मंदिर में पूजा करने की वजह से हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से, आज ऑलरेडी हाफ डे फास्टिंग हो चुकी है। अब चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाते हैं और फिर वापस रूम पे। तो हमने एक स्टॉप लिया है, कतरास बाजार है ये पूरा, और हमने एक स्टॉप ले रखा है, अभी कुछ स्नैक्स चलेगा। जिगी को देखो मचा रखा है इसने पूरा पीछे से। शाम के ऑलमोस्ट 4:30 हो गए हैं और अब हम थोड़ा कुछ स्नैक्स कर लेंगे रुक के, फिर बस ये सीधी हाईवे है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर का है तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में हम कवर अप कर लेंगे। तो गाइस अब बस ट्रिप में ये मिस कर सकते हो कि आप अपने डाइट से बाहर निकलोगे अगर ट्रिप करने जाओगे तो। गाइस रेलवे क्रॉसिंग पे अटके हुए हैं, अभी एक मालगाड़ी क्रॉस कर रही है, अब ये निकलेगी तभी ट्रैफिक खुलने वाला है। तो गाइस हम पहुंच गए बोकारो, अभी हम चल रहे हैं कोजी स्वीट्स, वहां पे जाके कुछ खा लेंगे डोसा वगैरह और फिर घर चले जाएंगे क्योंकि आज रात का तो खाना बनने से रहा। तो गाइस स्नैक्स इज डन, अब चलते हैं घर, अब बीच में कहीं कोई स्टॉप नहीं है। जी की घर चलना है क्या, घर चलना है? तो गाइस फाइनली हमने माता के दर्शन करके घर लौट आए और अभी रास्ते में स्नैक्स भी अच्छा खासा हो रखा है, अभी और कुछ मन नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है थोड़ी देर शूज उतार के लेट जाऊं। शूज की हालत देखो, बिल्कुल वॉश करके लेके गया था न्यू कंडीशन में, ये देखो पूरा 1 घंटे रगड़ के साफ किया था मैंने घर पे। कोयलांचल में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर शूज उतार के रेस्ट करते हैं, फिर आज हमारा एक पार्सल आया, उस पार्सल को अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं कि कैसा रहा वो जो हमने मंगाया था, तो वर्थ आइटम है या नहीं है। A few moments later. तो गाइस 10 मिनट के ब्रेक के बाद अब बारी है इसको अनबॉक्स करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये बैग निकला, सारे गाइड वाइड तो नहीं है अंदर, बट अनगिनत इन्फिनिटी नंबर ऑफ रॉड्स आए। तो
अभी तक ये बस एक बेस कंप्लीट हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 5 रैक्स हैं और अभी हमने एक कंप्लीट किया है। तो मैंने टाइम लैप्स का भी टाइम लैप्स बनाया तो इतना टाइम लगा। आज लग रहा है मैंने बिल्कुल पंगा ले लिया, ये अलग ही लेवल का काम निकाला। इसमें रॉड्स जा ही नहीं रही हैं, मुझे लगा इजीली फिट हो जाएंगी रॉड्स, बस डालना है और फिट करना है। ये मंगाने का मंगा लिया मैंने, बट सीन क्रिएट हो गया। मतलब ये मैं पहले सोचा था अपने लिए मंगाऊंगा, सही होगा तो घर पे भी मंगा दूंगा, मम्मी लगा लेगी, चप्पल वप्पल रखने के लिए सही हो जाएंगे शू स्टैंड, बट मम्मी तो इस पे लगाने से रही। इसके लिए फिर मुझे एक अलग से पहलवान भेजना पड़ेगा कुरियर के साथ जो इसको फिट कर सके। ये देखो कितना ही हार्ड है, ये देखो ये प्लास्टिक फट रहा है, इतना हार्ड है। और अगर इसको पूरा यहाँ तक डालूंगा नहीं तो फिर उस साइड वो नहीं जाता। पूरा परफेक्ट शेप में लाने के लिए हर किसी को बिल्कुल लास्ट एंड तक आना है। इतना हार्ड है कि प्लास्टिक के कलर्स चेंज हो जा रहे हैं बिल्कुल। अगर लास्ट में चारों ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाए ना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो अलग अलग रख लेंगे। इस पे जूते रख लेंगे, इस पे स्लीपर्स रख लेंगे एक साइड, और ऐसा ही बना के ऊपर से ये डालते डालते हाथ वाथ दर्द होने लगे पर जा नहीं रहे। तो भैया हमें इतना कष्ट में देख के हमारे अंदर से अचानक हमारी मरी हुई इंजीनियरिंग जाग गई। ये रहा लॉक और ये रही छड़ी और ये पड़ा ढक। एक बार में अंदर, ये एक बार में अंदर काफी है। हेलो, हाँ लोकेशन पे आ गए क्या भैया? ठीक है आ रहा हूँ भैया, एक मिनट में। थैंक यू भैया, गुड नाइट। यार दूध भी गर्म नहीं कर रखा, इसको भी करना है। आज सारे काम ही गड़बड़ हो गए बिल्कुल। One eternity later. Finally, एक घंटे के परेशानी के बाद, बट बहुत क्वालिटी बिल्कुल चीप है इसकी। सबसे फर्स्ट कि आप देखो रॉड्स टेढ़े हो रहे होंगे, क्वालिटी देखो आप इसकी। पाइप्स अंदर जाते ही सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत जगहों पे, ये देखो। तो आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म, बहुत 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 ज़्यादा थकावट भरा दिन रहा आज, और कल रात भी काफ़ी लेट सोया था, तो इसलिए अब बस खाना खाना है और आके बेड पे सोना है। अभी चला मैं फीफा देखने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि आज फाइनल है और मैसी। मुझे फुटबॉल ज़्यादा पता नहीं होता कौन क्या क्या होते, बस दो चार नाम मुझे पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एक मेसी का, एक अपने सुनील छत्री साहब का, बाकी और किसी का नाम मुझे नहीं पता है। तो इसलिए अभी मेसी खेल रहा है तो बस देख लूंगा कि गोल, इतना पता है कि गोल होता है, 90 मिनट्स का गेम होता है, इसके अलावा मुझे और फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया। तो आज मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एडिट करते करते। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी भेज दें यार, स्टेटस में कभी कभी लगा लिया करो, एक दो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मुझे बहुत मजा आता है देखने में वो काउंटिंग। बाकी बाय बाय, कमेंट कर दो अपने फेवरेट पार्ट को।